लोगों का दो दिन पूरा कंप्लीट हुआ और ये एलडीसी रियली में एक लाइफ चेंजिंग एलडीसी रहा। और हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, इन सब चीजों को देखते हुए हम चाहेंगे हमारे इतने टॉप सीनियर जो कि इतना शानदार तरीके से कैसे बिजनेस को बड़ा किया जाए, कैसे और ग्रोथ किया जाए, लीडर कैसे बनेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है, इन सब चीजों को लेकर के इतना शानदार तरीके से नया बुक का विस्तार किए और पूरा शानदार तरीके से दो दिन का एलडीसी कंप्लीट हुआ। तो हम चाहेंगे हमारे ऑल सीनियर स्पेशली मिस्टर मुरली भैया जी, मिस्टर विपिन जी भैया जी, मिसेस माया देवी जी, अजय भैया, अंकित भैया, इन सभी लोगों के लिए मेरे टॉप सीनियर सभी ऑल सीनियर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। तो समय तो ज्यादा नहीं, बस कुछ चीजें जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहला चीज, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस पाने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि मेरा स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस हो, मेरा बड़ा लेवल हो और मेरा स्मार्ट वैल्यू में सारी अचीवमेंट्स हो, सारी खुशियां हो। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए सबसे पहला चीज, एक चीज जरूर हम बोलेंगे जो हर किसी के अंदर नहीं हो पाता है, लेवल पाना चाहता है कि हम गोल्ड बने, प्लेटिनम बने, बड़ा लेवल करें, बट उस लेवल के लिए वो रियली उसके अंदर लगाव कितना है, अटैचमेंट कितना है। क्योंकि कहते हैं अगर किसी भी चीज को पाना है, किसी भी चीज को, तो उसके प्रति आपको अटैचमेंट बढ़ाना होगा। अगर हमें माँ बाप का प्यार चाहिए तो उनके लिए हम अटैचमेंट बढ़ाते हैं, अपना लगाव बढ़ाते हैं। उसी तरीके अगर हमें अपना गोल पूरा करना है, हमें अपना लेवल चाहिए, तो लेवल के प्रति अटैचमेंट बढ़ाना होगा, अपने गोल के प्रति अटैचमेंट बढ़ाना होगा। जिसकी वजह से होता है अपनी टीम के प्रति आपको अटैचमेंट बढ़ाना होगा, अपनी टीम के लिए आपको लगाव बढ़ाना होगा, तभी आपका सक्सेस होगा। दूसरी चीज, कई सारे लोग छोटा मोटा लेवल करते हैं, सिल्वर गोल्ड बने या फिर स्कूटी बाइक लिए, थोड़ा सा कुछ कर लिए तो तुरंत अप्लाई का बात माना बंद, और तुरंत क्या करेंगे, उनका जो सक्सेस होता है थोड़ा सा ड्रेस कोड पहनना सीख गए, थोड़ा सा मोबाइल में सेल्फी लेना सीख गए, थोड़ा सा बोलना सीख गए, तो तुरंत वो लोग क्या करेंगे, अपने सक्सेस को तुरंत अपने दिमाग में ले आते हैं। अक्सर हमने देखा है इतने दिन से, इन 5.5 साल मुझे हो गया स्मार्ट वैल्यू करते हैं, और इतने दिन में आज तक का रिकॉर्ड है, हमने कभी भी किसी भी टाइम पर अगर हम कभी जीरो की टीम वाले से भी मिलते हैं या फिर किसी नया ग्रुप में जाते हैं या कोई भी स्ट्रेंजर अनजान इनवाइटी से मिलते हैं और अगर कोई मेरे से आके बोलता है मैम क्या कैसे है, क्या चीज है, उसको भी हम प्यार से समझाते हैं और उसके सामने भी कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते कि हम एज ए यहाँ के सीनियर लीडर हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे आया समझने के लिए या फिर वो मेरे से सीखना चाहता है, तो 100% हम स्मार्ट वैल्यू को समझाने का ही काम करते हैं, सिखाने का ही काम करते हैं, तो सिखाने में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, तो ये चीज करना है। इसके बाद में जितने भी सारे लोग हैं, भैया ने बहुत अच्छा तरीके से डीआरसी बुक जो कि दिया है उसके विषय में अपने टीम लीडर से फीडबैक लिया। रियली में इस बार का एलडीसी पूरा लाजवाब एलडीसी हुआ और सभी लोग पूरे तरीके से डीआरसी बुक को पहले खुद भी फॉलो करेंगे और अपने आप को भी फॉलो करना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टीम को फॉलो कराना है। और इस अभी तक थोड़ा सा कुछ दिनों से मेरा भी कुछ गलती हुआ, क्लोजिंग तक तो मेरा बहुत कम्युनिकेशन रहा टीम में, दिन रात 11-11 बजे रात तक कम्युनिकेशन, और अभी क्लोजिंग के बाद में थोड़ा सा आराम रेस्ट करने से लेकिन जिसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट डाउन हुआ। लेकिन एक चीज अपने आप में हम ये अच्छी आदत पाते हैं कि मेरी टीम कितना भी रिजल्ट गिर जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस दिन से हम चित में आ जाते हैं, जिस दिन से हम सोच लेते हैं कि विशाखा तुमको इस वीक से 50 डिग्री भेजना है, 30 भेजना है, ये अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, उस वीक उतना डीडी कंप्लीट करके दिखाते हैं, मतलब कंप्लीट करके दिखाते हैं, कैसे भी करें, चाहे जितना मेहनत करनी पड़े, चाहे जितना कम्युनिकेशन करना पड़े, बट वो हम कंप्लीट करते हैं, मतलब करते हैं। तो अभी जो भी मेरा समथिंग वन मंथ थोड़ा सा गलती हुआ, टीम में कम्युनिकेशन कम हुआ और थोड़ा सा टीम में ट्रेनिंग वगैरह, जबकि प्रोजेक्टर भी है फिर भी थोड़ा सा हम डिपेंड रह जाते हैं, दो
तीन महीने चार महीने बीत जा रहे हैं, प्रोसेसर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेरी गलती है जिसको हम इसके वीक से और आज से सुधार करके जाएंगे। और इस बार रूबी की है, कुछ भी हो जाए वो पहले कमिटमेंट कर रहा है सभी सीनियर एंड सभी जूनियर से, इस साल अपना सफायर लेवल कंप्लीट करेंगे और अपने डेथ ट्राइड टीम से एक अलग रिकॉर्ड बनाएंगे किसी भी कीमत में। ये हमारा ओपन कमिटमेंट है, उसके लिए चाहे जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे कितने भी गिराने वाले आ जाए, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बस एक चीज कमिटमेंट है कि इस साल अपनी टीम से 3 रूबी, 6 पर्ल और किसी भी कीमत में 12 प्लेटिनम और 15 गोल्ड अचीवर और 20 सिल्वर और 40 सुपर स्मार्ट अचीवर कंप्लीट करवाएंगे। और किसी भी कीमत में अपना ये जो रिकॉग्निशन होगा एनुअल रिकॉग्निशन तक अपनी टीम से 2 कार अचीवर लेकर के जाएंगे रिकॉग्निशन में। और इस साल अपनी टीम से अपने दम से 10 नया कार अचीवर तैयार करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you.